प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। कार्तिक मास में कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें से एक करवा चौथ व्रत है, जिनको सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत धार्मिक कारणों और मान्यताओं के लिए ही नहीं, बल्कि पति पत्नी के आपसी प्रेम और समर्पण का भी त्योहार है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ के शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। 13 अक्टूबर को है करवा चौथ। इस व्रत का अपना अलग ही है महत्व। इस दिन सुहागिन महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। पति की लंबी उम्र की करती हैं कामना। चंद्रोदय के बाद करती हैं अन्न जल ग्रहण। कार्तिक मास में कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है। बता दें कि हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर को करवा चौथ है। करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन अमृत काल शाम 4:08 से लेकर शाम 5:50 तक रहेगा। माना ये भी जाता है कि अमृत काल में पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं। इसके अलावा इस दिन पंचांग की गणना के अनुसार चंद्रोदय का समय रात 8:09 है। इस दिन सूर्योदय से पहले सुहागिन महिलाएं सर्गी ग्रहण करती हैं, उसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं, फिर नियमानुसार चंद्रोदय के बाद अन्न जल ग्रहण करती हैं। पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं, लेकिन इस व्रत को रखने का अपना अलग ही महत्व है। इस व्रत से पति के जीवन के सभी तरह के कष्टों का निवारण तो होता ही है, साथ ही पति को लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा होती है। करवा चौथ की पूजा में सुहागिन महिलाएं छलनी में जलते हुए दीपक को रखती हैं, फिर इसके बाद इस छलनी से दीपक की रोशनी में चांद को देखती हैं, उसके बाद इससे अपने पति को देखती हैं, फिर पत्नी अपने पति के हाथों से पानी और मिठाई खाकर अपने व्रत को पूरा करती है। लेकिन इस पूजा में सुहागिन महिलाएं चांद की पूजा क्यों करती हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। रामायण के अनुसार एक बार भगवान राम ने पूर्व दिशा की तरफ चमकते हुए चंद्रमा को देखा और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन दिखाई दे रहा है वो क्या है। सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने तर्क देकर सवाल का जवाब दिया। इस पर भगवान राम ने बताया कि चंद्रमा में कालापन उसके विष के कारण है। वो अपनी विषयुक्त किरणों से वियोगी नर नरियों को जलाता रहता है। जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उन पर चंद्रमा की किरणें कष्ट पहुंचाती हैं। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं कामना करती हैं कि चंद्रमा के कारण उन्हें अपने पति का वियोग न सहना पड़े। तो वहीं इस व्रत के बारे में महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती हैं। तभी उनके सखा श्री कृष्ण उन्हें कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने के बारे में बताते हैं, जिससे अर्जुन के सभी कष्ट दूर होंगे। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए विधि विधान से द्रौपदी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं।
खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम।